फखर जमान सबको पता है कि रिसेंटली उसने प्लेयर ऑफ द मंथ रह चुका है। ओपन चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी। हमारी पूरी पाकिस्तान टीम के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, अगर वन नंबर वन है तो इसमें से एक अहम रोल फास्ट बॉलर्स का है। ये रिजवान भाई, हमने देखा है कि फखर जमान जो है वो नए बॉल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के सर पे है, ओपनिंग में बहुत ज्यादा ऑप्शंस पाकिस्तान के पास है नहीं, तो क्या आप टी ट्वेंटी में चूंकि ओपनिंग कर चुके हैं, आपकी 56 की एवरेज है, तो आप समझते हैं कि आप अगर नंबर शफल किया जाए, आप नंबर एक पे आ जाए, उनको नंबर चार पे ट्रांसफर किया जाए? मुझे पता है कि आप कहेंगे मैनेजमेंट का फैसला है, कोचिज का फैसला है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए तो आप जहनी तौर पर तैयार हैं इसके लिए? जो आपको पता है, मैं ये कहूँगा तो बाजी खत्म हो गई। नहीं देखे, फखर जमान सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली उसने प्लेयर ऑफ द मंथ रह चुका है। अभी अगर आप जितना मेरे इलम में है, रिसेंट प्लेयर ऑफ द मंथ जो वर्ल्ड की सतह पर आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं कि तीन चार इनिंग से जो है ना क्या कहते हैं उसको हाँ हमें नज़र आ रहा है सब, क्योंकि बातें ऐसी होती है कि यार फखर जमान फॉर्म में नहीं है, मगर आप अगर आप उसकी स्टार्ट की इनिंग्स देख लें, उसके बल्ले पे बॉल लग रहा है, उसके आउट से लग रहा है कि यार अगर कोई एक जगह पे वो आउट होता तो हम समझ जाते कोई यार कोई फॉल्ट है, मगर डिफरेंट तरीके से अगर वो आउट हो रहा है इट मीन्स के कुछ है, मगर वो उस पर काम कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ओपन चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, मगर बहरहाल फिर भी जरूरत आई तो ये मैनेजमेंट का फैसला है और मैं पर्सनली हर जगह के लिए तैयार हूँ। रिजवान भाई, हमने देखा है कि मिडल ऑर्डर में सलमान अली आगा भी हैं, आप क्या समझते हैं कि साउथ शकील को चांस मिलना चाहिए मिडल ऑर्डर में इंडिया के खिलाफ मैच में, और हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं पूरी दुनिया की निगाहें उन पर हैं, शहीन, हारिस और नसीम शाह। अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रही है कि इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान, दे कैन नॉट प्ले देम, तो क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ हमारे तीनों फास्ट बॉलर देख कर? पहला सवाल आपका कि बैटिंग ऑर्डर या किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए, वो तो मेरे ख्याल से आपको हमारा कप्तान ही अच्छी तरीके से बता सकता है या कोच ही बता सकता है, क्योंकि उसमें मेरा इनपुट नहीं है ना, मैं इस बारे में कुछ चीज़ें हाँ जो पूछते हैं मशवरा दे देते हैं। दूसरा, जहाँ पे आपने फास्ट बॉलिंग की बात की है, तो मेरे ख्याल से हर एक बैट्समैन के लिए कहीं पर वीकनेस होती है, कहीं स्ट्रांगनेस होती है हर जगह पर। तो अगर हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करें और जितने भी अचीवमेंट्स हैं आप उसको देख लें, अगर वर्ल्ड नंबर वन है तो इसमें से एक अहम रोल फास्ट बॉलर्स का है, जो बहुत अहम रोल है, और जिन तीन फास्ट बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंडिया की नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया के हर एक जो बैट्समैन है, ओपनर्स है और जो दरमियान में, उन सब के लिए डिफिकल्ट है वो बॉलर्स, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से कुछ नेमतें हमें दी हुई है, वो इन तीन शक्ल आपको नज़र आ रही है, तीन शक्लों में नज़र आ रही है। इसके बावजूद हमारा अगर बेंच देख लें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बिल्ड हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है और नंबर वन पिक पोजिशन पर आ रहा है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से इस टाइम की अचीवमेंट्स में अहम किरदार हमारे फास्ट बॉलर्स का भी है। जी उस्मान, डिसएडवांटेज होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने जब पहला मैच खेला था इंडिया से तो बैटिंग आप लोगों की नहीं आई थी, तो उनका जो अटैक है वैसे तो आप लोगों ने खेला है, तो क्या आप समझते हैं कि थोड़ा डिसएडवांटेज है उनका फेस करके आप लोगों को? इंडिया के बॉलर्स देखे, ऐसे तो हमारे इंडिया के बैट्समैनों ने भी हमारे फास्ट बॉलर्स को फेस नहीं किया होगा, मतलब पहले से पहले जब वहाँ भी कर रहे हैं तो 270 उन्होंने बोर्ड पे लगा लिया था, इसे नहीं कि नहीं, हमें भी अगर वो फर्स्ट टाइम सामने आएंगे तो हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस उनके चीज़ों के मुताबिक होती है, और ये तो मैं ज़्यादा रिलाय दे के हमेशा कंडीशन पर करता हूँ कि उस टाइम कंडीशन की क्या डिमांड है, अगर यही पिच हो 370 लगा होता तो शायद आज कुछ बातें कुछ और होती, मगर सबको पता है कि कंडीशन डिफरेंट थी, मुश्किल थी, तो 270 भी क्या कहते हैं मतलब नज़र आने में तो ऐसा है, मगर मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी बैटिंग पे हमारा बिलीव है तो अल्लाह करा देता, मगर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता ये भी, मगर उनकी बॉलर्स भी कोई ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं उनकी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंकिंग में रह चुकी है, उनकी बॉलर्स टॉप रैंकिंग के बॉलर हैं, डिफिकल्ट तो डालेंगे, हमारे लिए भी डिफिकल्ट होंगे, मगर कम एज ए प्रोफेशनल आपके पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन।